नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। सरायकेला खरसावां जिले के चरणी थाना अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र में डोबो के पास दुर्गा माँ के विसर्जन के लिए जा रही जुलूस एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। मिली जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार स्प्लेंडर बाइक अनियंत्रित होकर जुलूस में जा रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और खुद भी चोटिल हो गई। इनमें 2 आम जनता सहित 1 PCR जवान भी शामिल है। सभी घायलों को इलाज के लिए एमजी अस्पताल ले जाया गया, जहां PCR जवान संजू उराव के बाएं पैर की हड्डी टूटने की खबर मिली और 2 आम लोगों के सर और शरीर में कुछ चोटें आई हैं। वहीं इस पूरी घटना के बारे में कपाली यूपी के टाइगर मोबाइल जवान मिल्टन कुजूर और घायल युवक छायानगर निवासी पिंटू ने दी जानकारी। क्या घटना उसके बारे में बताइए। हम लोग सावधानी पूर्वक से विसर्जन में जा रहे थे और हम लोग कवर कर रहे थे कि एक गाड़ी के अंदर पार हो आराम से, और पता नहीं कौन पीछे से आया बाइक। कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोगों को चोट लगी है? 3-4 लोग लगे। सुनने में एक पीसीआर के जवान को भी चोट लगा है। आपको कहाँ का चोट लगा है? आपको चोट कहाँ का लगा है? सर में लगा है जी। बताए क्या घटना घटा है। आज विसर्जन था और कमार घोड़ा से मेरिन की ओर आ रहे थे, जिसमें रोड साइड में किनारे जो सिपाही था वो लाइनिंग करा रहा था कि एक साइड से जाना है। उसी समय कोई बाइक आया, बहुत स्पीड से आया और अचानक वो भीड़ में धक्का देते हुए मार दिया। ये जो हादसा हुआ है कौन थाने के अंतर्गत आता है? ये चांडिल थाना के अंतर्गत आता है और ये ओपी क्या कहते हैं कपाली ओपी के अंतर्गत आता है। सुनने में आ रहा है PCR जवान भी जख्मी हुए, इसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या हुआ है? अब तो इसको जो फर्स्ट एड होने के बाद अब इसका जो इलाज होगा क्या उसमें जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। आपके जवान का क्या नाम है? संजू राम। इनकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई थी? ये कपाली ओपी। मतलब विसर्जन जुलूस को कंट्रोल करने के लिए आपको